इस वक्त छठी जमात के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। छठी जमात के बच्चों ने पहले ही देखा है फ्रैक्शंस क्या होती है, ए पार्ट ऑफ द होल। जैसे हम मैंने एक सेब बनाया था कल वाले लेसन में, तो एक सेब के हमने चार पार्ट्स किए थे, एक पार्ट खाया था 1/4, वो फ्रैक्शंस हो गई। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। उधर इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमें बतानी है, 3/5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन एक बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो मैंने यहाँ लिखा रखा है 20, तो 3/5 का 20 इधर नीचे आना चाहिए, ऊपर मैंने डब्बा बनाया है, तो ऊपर क्या होगा? तो 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये 3/5 था, तो 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आई रिक्वायर 20 हियर, मुझे यहाँ 20 चाहिए, तो इधर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 3 4s are 12, तो ये इसका इक्वलेंट हो गया इधर ये। इसी तरह 3/5 है, न्यूमरेटर 9 आना चाहिए, न्यूमरेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3s are 9, तो 5 को भी 3 से इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 बन गया, 9/15, ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गई। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैक्शंस ऑफ 36/48 विथ डिनोमिनेटर 9 आना चाहिए। पहले वाला साइड में जाएंगे, उसी का रिवर्स समझो, उसी का रिवर्स क्वेश्चन है, तो उसी का देखिएगा, 9 9 जो है, 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 36 आएगा, तो इधर हम देखेंगे 48 है, तो 48 का टेबल हम देखेंगे, 4 12s are 4 12s are, 9/12 इसका एक्चुअल है, वही है, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई है। इसी तरह दूसरा है 36/48, अब ये कह रहा है नीचे 4 आना चाहिए, तो इसको हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, कसर इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, जो ऊपर और नीचे एक जैसे हो गए, इसके फैक्टर्स वो का अलग करेंगे, तो बाकी बचेगा 3/4, तो इधर भी 3/4 है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और 48 आ गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हुआ है मैच, क्वेश्चन नंबर 9 है मैचिंग, मैच करना है। ए फर्स्ट वाला पार्ट है 250/400, इसका हम देखेंगे ये किसके साथ उधर मिलेगा, दूसरे वाले कॉलम में ये कॉलम है, ये मानो एक साइड है, दूसरे साइड में कॉलम भी है, ये वाला किसके साथ मिलेगा, अब देखिएगा इसका जीरो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन इसको करनी है, हैं कैंसिलेशन इसको करनी है, अब रह गया इधर 25 5 5s are, तो इधर क्या हो गया 5 × 8, या 2 2 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, अब 5 और 5 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 5/8। फिर हम दूसरे कॉलम में देखेंगे ये किसके साथ मिलेगा, ये उधर मिलेगा डी वाले पार्ट के साथ, तो ये इसका पार्ट डी इधर आंसर है दूसरे साइड में। तो इसी तरह हम एक और पार्ट देखेंगे 180, दूसरा वाला पार्ट है 180/200, फिर देखेंगे इसका एक जीरो और एक जीरो कट करेंगे, अब रह गया 18, 2 × 3 × 3, 20 है नीचे, 2 2s are 4 4 5s are 20, हाँ बच्चा ऐसे भी कर सकता है, 18 का फैक्टर्स ये हमने पिछले यूनिट में ये दिया है, 2 9s are 3 3s are, वही मैंने लिखा, इसी तरह 20 का भी करना है कैंसिलेशन, अब रह गया 9/10, तो देखिए कौन सा पार्ट है इसका, इसके साथ कौन सा पार्ट मिलता है, इसके साथ इसका वाला ई पार्ट मिलता है, तो दो पार्ट्स मैंने दिखाए, इसी तरह इसके दो चार पार्ट और भी है, बच्चे खुद कर सकते हैं, ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं उनकी एक्सरसाइज देखेंगे, उसका देखेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा जो हमने सवाल में पढ़ा है वही देखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह उनका फ्रैक्शंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही बच्चा कामयाब है इंशाल्लाह। इस वक्त इतना ही, जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात होगी, शुक्रिया।